आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, गैशियस स्टेट पर आधारित है। स्टूडेंट, एडवांस के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवालों को हमने इंक्लूड किया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तीन पार्ट में आएंगे। ये पहला पार्ट है, ठीक इसी के बाद दूसरा और तीसरा बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे। तो ये तीन पार्ट्स में गैशियस स्टेट के एडवांस के कुछ बेहतरीन सवाल हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए पार्ट वन को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारा पहला सवाल। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, वन मोल ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल रियल गैस सेटिस्फाइज द इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन जो है एक रियल गैस सेटिस्फाई कर रही है, वेयर बी इज अ कॉन्स्टेंट, जिसको आप वैन डर वाल कॉन्स्टेंट जानते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस पर डिपेंड करता है। द रिलेशनशिप ऑफ इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। देखिए क्या होता है, रियल गैस में आपस में इंटरक्शन होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी डोमिनेट कर सकता है, रिपल्शन भी डोमिनेट कर सकता है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बताता है किस प्रकार के फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम उस पर आएंगे। और ये डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल से वैरी करता है, अगर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स वैरी करे तो पोटेंशियल एनर्जी वैरी करती है। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये कैसे दिया जाएगा, ये ग्राफ के बारे में पूछा है कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी वैरी। आप इस सवाल में विशेषतर ध्यान दें कि ये जो वैन डर वाल की इक्वेशन होती है, पी प्लस ए अपॉन मोलर वॉल्यूम का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मोलर वॉल्यूम माइनस बी, इस प्रकार से होती है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि जो वैन डर वाल कॉन्स्टेंट ए है यहां पर नेग्लिजिबली स्मॉल है, जीरो है, तभी इसको यहां पर नहीं दिया, ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर ए की वैल्यू जीरो होने का मतलब समझिए कि आपस में पार्टिकल्स में अट्रैक्शन नहीं है। जब नहीं होता है तो कैसा ग्राफ बनता है, जरा ध्यान से देखें। अब यहां हमने कुछ बातों को बताया है बच्चों, एक नॉर्मल जो ग्राफ होता है नॉर्मल रियल गैस का वो इस प्रकार से होता है। जब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट होते हैं, जो पार्टिकल बहुत दूर दूर है, वेरी हाई मोलर वॉल्यूम है, प्रेशर टेंड्स टू जीरो है, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो मामला अट्रैक्शन से आगे बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है और करीब आए अट्रैक्शन और बढ़ रहा है। ये अट्रैक्शन किस बात से सिंबलाइज होता है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये देखिए हमने वाई एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है और ये जीरो है। जब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है तो बच्चों ये किस बात का प्रमाण होता है, ये प्रमाण होता है अट्रैक्शन का। और पॉजिटिव किस बात का प्रमाण होता है कि रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है। तो बच्चों यहां तक आप देख सकते हैं अट्रैक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इसके बाद जब आप और करीब आते हैं तो रिपल्शन अचानक तेजी से बढ़ता है और इस रीजन में रिपल्शन डोमिनेट करता है। तो बच्चों अगर रियल गैस में अट्रैक्शन होना है तो उसका जो वैन डर वाल कांस्टेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन अभी के केस में, अभी जो क्वेश्चन है वहां पर ए जीरो है, तो आप समझिए आपको ग्राफ में से इतना पोर्शन तो कर्टेल कर देना है, उसको निकाल देना है। तो बच्चों जब इतना निकाल लेंगे तो देखिए हमने इतना क्या क्या निकाल दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद देखिए बच्चों इस प्रकार का ग्राफ बचता है और यही करेक्ट ऑप्शन था। तो हमने आपको चार ऑप्शन नहीं दिए थे, ये वाला आपको ऑप्शन समझना था कि आप देख सकते कहीं भी अट्रैक्शन नहीं है और यहां पर इस प्रकार से जब वो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिसको आपको सोचना था पोटेंशियल एनर्जी और इंटरक्शन के टर्म्स में। तो यही एडवांस की खासियत होती है, इस प्रकार के कुछ बेहतरीन सवाल आते हैं। ये अगला सवाल देखिए, ये भी वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस में है। यहां पर आप देख सकते हैं सवाल को हम समझा रहे हैं, ये एक देखिए टैंक है, इन्होंने बोला है ये टैंक है। इस टैंक में दो गैसेस हैं, लेफ्ट में ए है राइट में बी है। यहां पर उसका वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर, यहां वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर। बच्चों यहां पर ये जो केस ए है इसमें ये जो बीच में जो एक डिवीजन है, ये डिवीजन जो है ये अनमूवेबल है, ये रिजिड है, अनमूवेबल है, रिजिड है, अनमूवेबल है और इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है और
इमूवेबल है, ठीक है, ये इमूवेबल है, मतलब ये मूव नहीं करेगा। अब देख सकते हैं सिचुएशन, अब क्या किया इन्होंने, ये जो बीच का पार्टीशन था इसको हटा दिया और यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, यहां पर एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया जो मूव कर सकता था, और अब की बार ये कंडक्टिंग हो गया, अब की बार क्या हो गया, कंडक्टिंग, यानी ये मूव भी कर सकता है और टेम्परेचर का भी, हीट का भी आदान प्रदान कर सकता है। अब आप बात समझे, जो ऊपर वाली सिचुएशन थी वहां पर 300 और 400 टेम्परेचर इसलिए मेंटेन्ड है क्योंकि भाई इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है तो टेम्परेचर मेंटेन्ड, और मूव भी नहीं कर रहा है तो प्रेशर भी आप डिफरेंट ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको मूवेबल लगाएंगे तो ये मूव करके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, और इस इक्विलिब्रियम प्रेशर, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जितना प्रेशर बच्चों इधर से लग रहा है उतना ही प्रेशर इधर होगा, यानी प्रेशर ऑफ ए बराबर हो जाएगा प्रेशर ऑफ बी के, पहली चीज। और अगली चीज, ये अब कंडक्टिंग हो गया है, ये क्या है, कंडक्टिंग है, पहले तो इंसुलेटिंग था, कंडक्टिंग है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रह सकता, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहेगा, और हायर टेम्परेचर से हीट एनर्जी लोअर टेम्परेचर में जाएगी और टेम्परेचर भी दोनों का सेम हो जाएगा, टी ए इज इक्वल टू टी बी, इसको सम टी मान लेते हैं, इसको सम पी मान लेते हैं, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पोजिशन आ गई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो ए गैस है ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो वॉल्यूम बताना है, ठीक है। अब आप बात को समझें, यहां पर आप पहला और बाकी केस में एक बात तो पकड़ सकते हैं, जो ए है उसके मोल्स तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि जो पिस्टन आपने मूवेबल चेंज किया है उसमें परकोलेट नहीं कर रहा है, वहां से कोई लीक नहीं हो रही है गैस, तो ए का मोल लेफ्ट कंपार्टमेंट में पहले और बाद में सेम रहेगा, बी का मोल राइट कंपार्टमेंट में पहले और बाद में सेम रहेगा, इसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। तो हर सवाल में बच्चों सॉल्व करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का आपको कोई लॉजिक लेना होता है, यहां पर लॉजिक क्या है, हम मोल्स का कंजर्वेशन कराएंगे इनिशियली और फाइनली, तो बच्चों इसी काम ने यहां इस्तेमाल कर दिया। तो यहां पर हमने ए का देखिए पहले कंजर्वेशन कराया इनिशियल और फाइनल, यहां पर हमने मोल्स के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया, क्या, पी वी अपॉन आर टी, तो ये इनिशियल कंडीशन में देखिए जो जो वॉल्यूम है 1 है, प्रेशर है 5, टेम्परेचर है 400, अब बाद में देखिए, बाद में मान लेते हैं खिसकने के बाद पिस्टन, अब ए का वॉल्यूम हो गया वी ए फाइनल, और प्रेशर हो गया पी अभी हमने लिया, और टेम्परेचर हो गया टी, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पार्ट में सेम होगा इक्विलिब्रियम पर, और ये आर है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार हमने बी पर मोल का कंजर्वेशन लगा दिया, तो बी में पहले क्या था, ये जो 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 प्रेशर था 3 था, वॉल्यूम था 1, टेम्परेचर था 300, ठीक है, और बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, वीबी हो गया, प्रेशर पी हो गया, टेम्परेचर टी आर। अब आप ये दो इक्वेशन देख सकते हैं जो मोल कंजर्वेशन से हमारे पास आई है 1 और 2। अब हमने क्या किया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहां पर आप लेफ्ट वाला लेफ्ट से राइट वाला राइट, तो पी अपॉन टी आर, पी अपॉन टी आर कैंसिल हो जाएगा, यहां आर आर कैंसिल हो गया, तो यहां से आप देख सकते हैं बच्चों वी ए अपॉन वीबी का जो रेशियो है ये आ गया 5/4, 5/4। और बच्चों VA प्लस VB आपको पता है कैसे पता है, यहां पर आप देखें टोटल वॉल्यूम तो कंजर्व होगा ना, तो पहले तो हमने रेस्पेक्टिव मोल्स को कंजर्व कराया और फिर सिस्टम के वॉल्यूम को कंजर्व कराया, देखिए बच्चों ये था कितना 1 m³ और ये था 3, तो बाद में भी तो टोटल 4 ही होगा, इनिशियल 4 है बाद में भी 4 होगा, टोटल सिस्टम तो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां पर हमने VA अपॉन VB हमको पता हो गया, और VA प्लस VB बच्चों 4 है। अब बच्चों साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सभी जानता है कैसे सॉल्व करना है, VA भी निकाल लेंगे, VB भी निकाल लेंगे, तो इस प्रकार से आपने यहां वॉल्यूम्स को निकाल लिया, VA पूछा था तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, कैसे मोल का कंजर्वेशन इस्तेमाल किया, कैसे वॉल्यूम का कंजर्वेशन इस्तेमाल किया, RTJEE की यही खास बात है कि सवाल बड़े होते हैं लेकिन उनका सोल्यूशन जो होता है आपको कॉमन सेंस से थोड़ा सा दिमाग लगा के छोटे में सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तो यही इसकी खास बात है। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये देखिए क्या बोल रहा है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कुछ अजम्पशंस थे, पोस्टुलेट थे जो हमने आपको जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा रहे थे तो बताया था, और उसी पर ये सवाल आधारित है, तो देखिए आपको बताने कौन से अजम्पशन सही है, चलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे और उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। पहला अजम्पशन देखते हैं, कोलिजन आर ऑलवेज इलास्टिक, आप बात समझें
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां गैस के पार्टिकल इधर उधर घूमते हैं, आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, बट वो बहुत छोटे समय के लिए इंटरैक्ट करते हैं जब वो कोलाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो कोलिजन होता है ये इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यही इलास्टिक कोलिजन खास बात होती है, तो इसको बिल्कुल माना गया था। हेवियर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर मोर मोमेंटम टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। देखिए ये यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारी है तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। देखिए जो भारी पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो तेज जाते हैं, तो वो स्पीड से मोमेंटम को जो है कॉम्पनसेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चाहे हैवी हो चाहे लाइटर हो, उसमें क्या होता है कि दोनों सेम मोमेंटम एक ही समय में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो वहां हैवी और लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े, ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप बात समझे, अगर आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं, वहां पर आपको देखना होगा, जैसे आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बच्चों बात की, ये फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल और ये स्पीड, इस प्रकार से देखिए ग्राफ होता है, इस प्रकार से ग्राफ होता है, इस प्रकार से। तो जब वेरी हाई स्पीड की आप बात करें, सी वेरी हाई की जब आप बात करते हैं बच्चों, तो आप इस रीजन की बात करें, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये आप देख सकते हैं एरिया अंडर कर्व इस रीजन में कम है, तो एरिया अंडर कर्व किसको सिग्निफाई करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को। तो यहां पर चूंकि वेरी हाई स्पीड में एरिया अंडर कर्व कम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, तो यहां पर हमने देखा इसको। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, तो इस ऑप्शन को टिक कर लेते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। अगला, बिटवीन कोलिजन्स द मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट होता है कि देखिए कोलिजन करने पे वेलोसिटी चेंज होती है, आइदर स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी, दोनों चेंज होगी, लेकिन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऐसा माना गया था वो स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री में चलते, उनकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, स्ट्रेट लाइन, और अपने इस मूवमेंट के दौरान उनकी ना डायरेक्शन चेंज होती है ना स्पीड चेंज होती है। तो अगला ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है, बिटवीन कोलिजन द मॉलिक्यूल मूव इन स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दैट इज नो डायरेक्शन चेंज नो स्पीड चेंज। तो यहां कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए, ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जहां काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पर आधारित था, सारे पोस्टुलेट्स को बिल्कुल समझ के जाइएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर समझ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंटली इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं वन मोल ऑफ वॉन्डरवॉल गैस की बात कर रहे हैं जहां पर बी की वैल्यू जीरो है, तो यहां वन मोल ऑफ वॉन्डरवॉल गैस है जहां बी की वैल्यू जीरो, मतलब साइज नेग्लिजिबल है, ठीक है, बी साइज को सिग्निफाई करता है, और टेम्परेचर 300 लिया है। और यहां पर बच्चों देखिए कर्व प्लॉट किया, ये वाई एक्सिस है पीवी और एक्स एक्सिस है 1/V, यहां पर आपसे वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए की वैल्यू पूछा है, ठीक है बच्चों। यहां पर कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां पर हमको वॉन्डरवॉल इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा, बी को जीरो पुट करना होगा, फिर कुछ ऐसा करना होगा, ग्राफ का इस्तेमाल करें, इस ग्राफ पर हम लोग वापस आएंगे, उसके पहले जरा एक चीज देख लें। देखिए ये देख सकते हैं वॉन्डरवॉल इक्वेशन सभी देख रहे हैं, क्वेश्चन बोला है बी की वैल्यू जीरो है, तो बी की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, ये आ गया इक्वेशन, या Vm से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो PVm प्लस A by Vm is equal to RT, RT A by Vm को राइट हैंड साइड ले जाइए तो आ गया PVm is equal to RT minus A into 1 by Vm। ये जो फॉर्मेट है बच्चों, ये फॉर्मेट है Y is equal to MX plus C का, PVm को मान लीजिए Y जिसको प्लॉट किया है, 1 upon Vm हो गया X, ये 1 upon Vm हो गया X, RT हो गया C। तो आप अगर कंपेयर कराएं तो यहां से कंपैरिजन करा के आप देख सकते हैं बच्चों, जो स्लोप की वैल्यू है, ये जो स्लोप की वैल्यू है बच्चों, ये स्लोप की वैल्यू है माइनस ए, तो कंपैरिजन से आपको स्लोप माइनस ए। अब जरा ग्राफ से देखिए स्लोप कितना आ रहा है, ये देखिए ग्राफ है, तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो स्लोप निकालते हैं क्या है, वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहली चीज तो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि अगर ऐसे होती है लाइन स्ट्रेट लाइन तो इंफिनिटी, ऐसे स्लोप होती है तो पॉजिटिव, और ऐसे होती है तो नेगेटिव, और ऐसे होती है तो जीरो, तो नेगेटिव होगा। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स कर लें। अब बच्चों देखिए चेंज इन वाई आप देखें तो 21.6 माइनस 20.1,
डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स 3 माइनस 2। आप बहुत सरलता से देख सकते हैं ये आ गया 1.5 और नेगेटिव लगाएंगे क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं नेगेटिव है, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, जैसा करना है कर लीजिए। तो -1.5 वैल्यू आ गई। तो यहां पर बच्चों -1.5 = -8, तो वान डर वाल कॉन्स्टेंट a की वैल्यू आ गई 1.5। बहुत ही अच्छा सवाल जो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर आधारित था, वॉन्डर वॉल्स पर आधारित था। थोड़ा सा आपको इसको एक फॉर्मेट में लेके आना था, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट, और फिर कंपेयर करा के आपको आंसर मिल जाता। बहुत ही अच्छा सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आप क्या क्या बोल रहे हैं। अ गैस डिस्क्राइब बाय वॉन्डर वॉल इक्वेशन, एक गैस जो वॉन्डर वॉल इक्वेशन के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है, उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, आपको सारे करेक्ट फीचर्स बताने। एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे और उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। पहला, बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम। देखिए लार्ज मोलर वॉल्यूम कहने का मतलब Vm टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका कहने का मतलब प्रेशर टेंड्स टू जीरो। और जब कोई भी रियल गैस को जब आप प्रेशर टेंड्स टू जीरो बहुत दूर दूर रखते हैं तो कैसा बिहेव करता है आइडियली, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन बी, बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर, बिल्कुल गलत। जहां लार्ज प्रेशर किए तो उनके बीच में रिपल्शन डोमिनेट कर जाता है, एंड दैट इज नॉट सिम्टम ऑफ आइडियल गैस। तो बी इज नॉट एन ऑप्शन। सी की बात करें, इज कैरेक्टराइज बाय वान डर वाल कोएफिशिएंट दैट आर डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ गैस बट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही, ये बात कर रहा है वान डर वाल कॉन्स्टेंट ए एंड बी की, जो गैस के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ गैसेस ज्यादा अट्रैक्शन करती है, कुछ कम करती है। जहां ज्यादा अट्रैक्शन होगा ए ज्यादा होगा, जहां कम अट्रैक्शन होगा ए कम होगा। कुछ गैसेस बल्की होती है तो बी की वैल्यू ज्यादा होगी, कुछ गैसेस छोटी होती है तो बी की वैल्यू कम होगी। लेकिन ए और बी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती हैं एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन अब तक सही हो चुका है, सी भी सही हो चुका है, डी देखते हैं। हैज द प्रेशर दैट इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेम गैस बिहेविंग आइडियली। बहुत से लोग इसमें धोखा खा लेते। तो अभी तक हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही था, ए सही था और सी सही था। डी की बात करते, देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि जो वॉन्डर वॉल गैस होती है, यानी जो रियल गैस होती है, उसका प्रेशर आइडियल से हमेशा कम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो डिपेंड करता है। अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 है, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, तो रियल गैस का प्रेशर कम होगा आइडियल से अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। लेकिन अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है, तो रियल गैस यानी वान डर वाल की जो प्रेशर होगी वो आइडियल के संबंध में, उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो d इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन आते हैं वो a आता है और c आता है। बहुत ही सूक्ष्म रूप से, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल पर आधारित सवाल होते हैं एडवांस के, यही इसकी खास बात होती है। एक एक आपके कॉन्सेप्ट को झकझोर के रख देता है। तो हमने देखा किस प्रकार से यहां पर आपको सारे फंडामेंटल्स के बारे में सोचना था, और यही खास बात होती है। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर पार्ट 1। ये पार्ट 1 खत्म हुआ है, और आपको बता दें ये पूरी 3 पार्ट में हम लेकर आए हैं PYQs को। पहला पार्ट ये आ रहा है, अगला बहुत ही जल्दी हम अपलोड करेंगे, और तीनों ही ये पूरा आपको जो भी अच्छे सवाल है एडवांस के सब उसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं अपने पार्ट 2 के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।